बैठा हूँ मैं टाटा की स्टार बस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, जो कि 2020 में शायद लॉन्च होने वाली है। अगर बात करें इसके इंटरनल लुक की, तो ये गाइस बेसिकली एक पब्लिक बस है जहाँ पर ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से चलने वाली है। बेसिकली ये है पावर स्टेशन जहाँ पर इस नोजल की हेल्प से हम जो है टाटा की स्टार बस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर पाएंगे। अभी मैं हूँ हॉल नंबर 15 के अंदर, आवाज आपको नहीं आ रही होगी, और गाइस जस्ट मेरे पीछे जो है टाटा की ढेर सारी गाड़ियां हैं जो 2020 के अंदर लॉन्च होने वाली है। अभी मैं हूँ टाटा की एक बस जो कि अल्ट्रा नाम से है। गाइस बेसिकली ये बस बहुत ही कमाल की लग्जरी, जहाँ पर गाइस हम जो है बेसिकली सीट बेल्ट नहीं पहनते, और सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है इनबिल्ट सीट बेल्ट यहाँ पर इस तरीके से, जहाँ पर हमको मतलब सबके लिए सेपरेट अच्छा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कमाल का एक नया फंक्शन नया फीचर है इसी बस के अंदर। और गाइस बात करें यहाँ पर हमको चार्जिंग के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं, दो पोर्ट्स इस तरीके से यूएसबी के, बोतल होल्ड करने के लिए बोतल होल्डर, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर हमको सीट इन लाइन करने के लिए भी हैंडल और सब कुछ यहाँ पर पोर्टेबल है। ये बस बहुत ही कमाल की, जहाँ पर हमको एसी, साउंड सिस्टम और कुछ लाइटिंग का सेटअप मिल जाता है। जस्ट मेरे पीछे ढेर सारी ट्रकें हैं, ढेर सारी बसें हैं टाटा की, जहाँ पर ये है टाटा प्राइमा। ड्राइवर के लिए इतना ऊंचा यहाँ पर जो कंपार्टमेंट मिलता है। गाइस बात करूँ व्हील्स की, तो बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही कमाल के व्हील्स हैं यार, खतरनाक इस तरीके से एलो है। और इस व्हील की मतलब आप साइज देखो, जहाँ पर स्टेप्स हैं कमाल के व्हील्स हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पर जो है पीछे का कंपार्टमेंट इस बस का टाटा प्राइम का कुछ इस तरीके सेटअप मिलता है। मेरे पीछे टाटा की ट्रक जो कि सिग्ना है बेसिकली, और जहाँ पर हम जो फ्रंट में ग्लास इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर की सीट के पास, जो इस बार जो है इस तरीके से बाहर लगाया गया। ये कुछ नया इनोवेशन है, कुछ नया फीचर इस ट्रक के अंदर जो एक डिफरेंट लुक देता है इस ट्रक को। टाटा का BS6 इंजन जो क्यूमिनस नाम से पहचाना जाता है, और ये बहुत ही कमाल का इंजन है। उसके बाद आता है इस 3.7 लीटर का, ये टाटा का इंजन जो कि BS6 इंजन है, और दोनों मतलब ढेर सारे इंजन है इसी सीरीज के टाटा के ट्रकों के बसों के ढेर सारे। आप भी आओ 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में आओ, ढेर सारे यहाँ पर जो मशीन, ढेर सारी चीजें यहाँ पर देखने लायक, आओ वो चीज सीखने मिलेगी आपको भी। बेसिकली जैसे मेरे पीछे टाटा प्राइमा, जहाँ पर बात करूंगा तो बेसिकली होता है पीछे कंपार्टमेंट जहाँ पर हम जब जो है मटेरियल जैसे कि मान लो रेती वगैरह फिर सीमेंट वगैरह जो है आउटलेट एंड निकालते हैं बाहर, जब पीछे वाले कंपार्टमेंट से, तो होता क्या है हमको पीछे वाला कंपार्टमेंट कुछ हीट करके यहाँ पर मतलब हैमर से इसको खोलना पड़ता है इस क्लेम को। लेकिन गाइस बेसिकली इसमें एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम जो पीछे वाले कंपार्टमेंट में जब ऊंचा करेंगे तो ये पीछे इस तरीके से कुछ सेटअप लगा हुआ है, हम जो है इसको इजीली यहाँ पर जो है विदाउट प्नोमेटिक कंट्रोल की हेल्प से इसको जो ओपन कर पाएंगे। टाटा प्राइमा बहुत ही कमाल की बस है। जहाँ पर व्हील्स की बात करूँ गाइस, तो व्हील्स इतने बड़े हैं यार इस तरीके से, जहाँ पर यार अभी तक तो मैंने इंडिया के अंदर इस तरीके से व्हील्स नहीं देखे हैं, जहाँ पर यार कुछ इस तरीके से जब लोकल मार्केट के अंदर ये ट्रक और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको ये ट्रक आने वाले टाइम पे दिखने वाली है सड़कों के अंदर। जस्ट मेरे पीछे टाटा अल्ट्रा की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले टाइम में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली है। इस बार टाटा ने बहुत ही कमाल कर दिया, जहाँ पर अल्ट्रा, माइक्रोपोलो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ढेर सारे नए नए कॉन्सेप्ट दिए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि टाटा ने यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा गाड़ियाँ तो टाटा ने यहाँ पर जो इस बार 2020 में लॉन्च करने वाला है।